चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में भारत और बांग्लादेश के बीच टक्कर होने वाली है। बांग्लादेश के क्रिकेट फैंस को लगता है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हाल में हराया तो भारत को भी वो टक्कर दे सकती है। हालांकि इंडिया के फैंस ये मानते हैं कि इंडिया की टीम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बांग्लादेश का तो कोई चांस ही नहीं है। तो हमारे साथ कुछ फैंस मौजूद हैं और इनसे पूछते हैं कि इन्हें क्या लगता है, क्या बांग्लादेश की टीम भारत को कुछ टक्कर दे पाएगी? क्या लगता है बांग्लादेश की टीम कुछ भारत को टक्कर दे पाएगी? नहीं दे पाएगा, हमारा टीम बहुत सख्त है, ठीक है सर। और हमारा रोहित शर्मा, विराट कोहली और जिस तरीके से खेलते हैं, बांग्लादेश का बॉलिंग लाइन इतना भी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन छोटे टीम को भी हल्के से नहीं लेना चाहिए। लेकिन इंडिया अच्छा खेलेगा। हमारा क्या लगता है टेस्ट मैच में भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा रन कौन बनाएगा? सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है रोहित शर्मा बनाएगा या तो विराट कोहली बनाएगा। कितने रन बना देंगे? हमें रोहित शर्मा का एक 200 चाहिए और विराट कोहली का भी लगभग वही 400 रन तो यही हो गए। हाँ जी, कोई बात नहीं। 400 रन बांग्लादेश के लिए ज़्यादा तो नहीं है? मुझे तो लग रहा है बांग्लादेश पहला बैटिंग करेगा तो ऑल आउट हो जाएगा, क्योंकि हमारा बॉलिंग लाइन भी इतना स्ट्रांग है। तो हमें जो भी हो, हमें जितना ही चाहिए मैच, क्योंकि पहले ये बताइए टेस्ट मैच 5 दिन का है, कितने दिन चलेगा? मुझे लग रहा है 3-4 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। 5 दिन नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। आप बताइए भाई साहब, क्या लग रहा है आपको? बांग्लादेश और भारत का टेस्ट मैच हो रहा है, क्या उम्मीद है आपको? जी, इंडिया तो जीतेगा। बांग्लादेश वाले कह रहे हैं हमने पाकिस्तान को हराया 2 टेस्ट मैच। ऐसा कुछ नहीं है सर। इंडिया जो है मतलब मजबूत टीम है, पाकिस्तान से बेकार है, ठीक है। इंडिया के सामने कुछ भी नहीं है। और बांग्लादेश को निपट जाएगा 100-150 के अंदर। मोहम्मद सिराज है, जसप्रीत बुमराह है। और तो हमारे साथ कुछ और क्रिकेट फैंस भी, उनसे भी पूछते हैं क्या लग रहा है भाई टेस्ट मैच में क्या होगा? इंडिया पक्का जीतेगा। बांग्लादेश का कोई चांस नहीं है? बांग्लादेश कोई चांस नहीं है। क्या लग रहा है कौन होगा टॉप परफॉर्मर? कोहली। कोहली कितने रन मारेंगे? कोहली 150 प्लस। वो बहुत अग्रेसिव है, अभी रिसेंटली चेन्नई का वॉल तोड़ा है, तो चेन्नई में ला देगा। तो बांग्लादेश की बॉल भी तोड़ देगा? जरूर तोड़ेगा, जरूर। और विकेट कौन लेगा सबसे ज्यादा? मोहम्मद सिराज, क्योंकि वो अच्छा बॉन्स चलता है और 5 बार कंफर्म। तो टेस्ट मैच कितने दिन चलेगा आपको लग रहा है? 3 दिन में खत्म हो जाएगा, पक्का गारंटी। खत्म 3 दिन में? अच्छा, बांग्लादेश वाले कह रहे हैं हमारे पास बहुत अच्छे स्पिनर हैं, साकिब है, मेहंदी हसन मिराज है, तो वो लड़ाएगा, खुली लड़ाएगा साकिब को, उसका अग्रेसिव दिखाएगा कि कौन एक्टिवेट है बंदा। और वो ये भी कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को हरा के आने, पाकिस्तान को हरा सकते हो क्या? भारत के साथ तो नहीं खेला ना अभी, अभी तो शुरुआत है ना, तो दिखाएंगे। कोई चांस नहीं है बांग्लादेश? कोई चांस नहीं है। सीरीज का क्या होगा? इंडिया ही जीतेगा 2-0। हाँ चलिए दोस्तों, आपने देखा क्रिकेट फैंस को साफ तौर पर कह रहे हैं कि बांग्लादेश का कोई चांस नहीं है इंडिया के सामने। और बांग्लादेश बेशक पाकिस्तान को हरा कर आई हो, लेकिन इंडिया डिफरेंट टीम है। कोहली, रोहित शर्मा, इनसे बड़ी उम्मीदें हैं क्रिकेट फैंस को, और क्रिकेट फैंस यही चाहते हैं कि भारत दमदार तरीके से सीरीज को अपने नाम करे। रविश बिष्ट चेन्नई से सारा समय के लिए। अभी सही हो गया ना?